समर्पित करते हुए आज गोरखपुर की पावन धरती पर आयोजित महिला हक अधिकार सम्मान रैली में आई मेरी शक्ति स्वरूपा, मेरी मातृशक्ति मज्जा सिंह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी नेतागढ़ व हम सब के पथ प्रदर्शक हमारे मुखिया यशस्वी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे नेता जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि महिला मंच के एक अनुरोध पे उन्होंने हमें ये मंच दिया, बोलने का अवसर दिया, सम्मान दिया और सम्मान ही नहीं अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वो धरती पुत्र है जो 20 वर्षों से गांव गांव गली गली जाकर अपने समाज को जगाया, उनके हक अधिकारों की लड़ाई को उन्होंने शीर्ष तक पहुंचाया और वो महाराजा सुहेल देव जिसके इतिहास को इतिहासकारों ने कहीं अंधेरों में गुमा दिया था, उसको विश्व पटल बनाए, उसको उजागर किया और मजबूर कर दिया आज हर राजनीतिक दल हर राजनेता को ये वो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव का नाम लेते नहीं थकते हैं। धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और आज महाराजा सुहेल देव जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वो सर्व समाज के गरीबों पिछड़ों वंचितों के हक अधिकार सम्मान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और आज उन्हीं की ये देन है कि इतनी भारी संख्या में अपार संख्या में हमारी मातृशक्ति आज यहाँ अपने हक अधिकार के लिए घर से निकली है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को आज जान रही है, जागरूक हुई है। आज हमारी माताएं बहनों की मांग है कि उत्तर प्रदेश से शराब बंद होनी चाहिए जैसे गुजरात और बिहार में है, क्योंकि पिता तो पुरुष है लेकिन इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। पिता पुरुष है मगर बच्चों का विकास रुकता है, घर का विकास रुकता है। पिता तो पुरुष है लेकिन अगर दुर्घटना में उसको कुछ हो जाए तो उसका पूरा परिवार और इसका खामियाजा भी महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। और माताएं बहने आप में इतना आत्मबल है, अगर आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ आई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उत्तर प्रदेश से शराब बंद करा के रहेंगी, क्योंकि माताएं बहनों में वो आत्मबल है कि वो जब सत्यवान का प्राण भी यमराज से बचा के ला सकती है तो वो आत्मबल आप में है, तो ये शराब तो आप बंद करा देंगी, ये पूरा विश्वास है। बस आप इसी तरह संगठित रहे क्योंकि संगठित होकर हर लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस लड़ाई में हमारे साथ है, एक बहुत ही मजबूत आवाज उत्तर प्रदेश में हमारे साथ है। तो आप इसी तरह एकत्रित रहे, संगठित रहे, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ती रहे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी माताएं बहने इस मंच के माध्यम से कि आप अपने बच्चों बच्चियों को शिक्षित करें, खासकर बच्चियों के लिए मैं कहूंगी, क्योंकि जब हमारे घर में आपके घर में बेटी पैदा होती है तो हम बचपन से ही यही